हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार बट कढ़ाई। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। 3 पाव मैंने लिया है चिकन और 3-4 प्याज मैंने बारीक काट ली, इनको धो लिया है। और सब्ज़ मिर्चें हैं 4-5, इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये लहसुन लिया है 1-5-6 तुरियाँ। अदरक ली है, 1 अदरक मैं कूट के डालूंगी और 1 अदरक बारीक एंड पे जब मैं बताऊंगी चॉप करके डालूंगी। और जो 3 टमाटर लिए हैं इनको बारीक बारीक काट लेंगे और 2 लेमन लिए हैं। और साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया, सूखा धनिया जाएगा, इसको हम कूट लेंगे। और थोड़ी सी जाएगी इसमें सौंफ, वो भी इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और काली मिर्च जाएगी थोड़ी सी, और साथ इसमें दही का इस्तेमाल होगा। थोड़ी सी दड़ा मिर्च जाएगी। हमने लिए कढ़ाई और इसमें हमने 2 डोई भर के ऑयल डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, डाल देंगे ये जो प्याज कटा हुआ। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये नीचे थोड़ा सा ब्लड है, इसको अच्छी तरह निचोड़ के आपने डालना। पड़े पड़े में फिर भी छोड़ देता है थोड़ा सा। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। साथ साथ फ्राई हो जाएगा, घी डाला हुआ तो अब साथ पक जाएगा। ये देखिए आधी पक चुकी है। अब इसमें जाएंगे मसाला। इसमें जाएगा सूखा धनिया 1 चम्मच, ये थोड़ी सी जा रही है सौंफ जो मैंने कूटी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। मिर्चें मैंने ज़्यादा कूट ली थी लेकिन मैं कम डालूंगी, चिकन के हिसाब से आपने डालनी है। ये काली मिर्च का पाउडर, ये जो मैंने थोम कूटा था लहसुन इसका पेस्ट जाएगा। थोड़ी सी इसमें मैंने ये जानी है कसूरी मेथी, वो जाएगी इसमें। अब इसमें जाएंगे टमाटर। ये देखें डालने से कितना अच्छा लगने लगता है। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे ना तो इसी में गल जाएगा चिकन। हल्दी का, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, गरम मसाला पाउडर वो जाएगा, जीरा, थोड़ी सी ग्रीन वो जाएगी रेड मिर्च कलर के लिए। अगर कम ज़्यादा लगे तो, कम लगे तो आप और भी इसमें डाल सकते हैं जितनी आप खाते हैं। ये मैं बना रही हूँ बट कढ़ाई, थोड़ी सी। अब इसमें हम डालेंगे जो सब्ज़ मिर्ची हमने काटी थी 5-6, वो ऐड कर देंगे। अदरक नहीं अभी डालना, अदरक मैं बताऊंगी आपको कब डालना है। अब इसमें लेमन निचोड़ देंगे। लेमन मैंने पहले साफ कर लिए थे, जो बीज होते हैं ना आप वो पहले निकाल के रख ले ताकि सालन में ना आए, वो तो वो लेमन लिए हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखिए कलर कितना प्यारा कलर आ गया। मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड इसलिए की थी कि कलर अच्छा आए। ये देखिए पानी भी ऐड कर लेते हैं, गोश्त ना गले।
मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, वो मैं दिखाना भूल गई, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए, कच्चा ना रहे। अब हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे, फिर इसकी बनाई होगी। पास एक कढ़ाई गोश्त का मसाला था थोड़ा सा बाजार का, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ना डाल के ये मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, कलर आया। अब सिर्फ हमें इसको 5 मिनट और भूनना है, फिर हमारी कढ़ाई तैयार। इसमें जो कूटा हुआ ना अदरक था वो डाल देंगे, वो बाद में डालते हैं ताकि खुशबू अच्छी सी आए। अब इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया, जो हमने प्रीक प्रीक कटा हुआ था अदरक। अब इसे ऊपर करते हैं, ये देखें कितना प्यारा कलर आया। अब सिर्फ हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे तो कढ़ाई हमारी तैयार। आने वाली मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।